क्लिक कर देना है। तो आपको ये देखिए माय आधार डॉट यू आई डी आई डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, ये भी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसकी स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप वेलकम टू माय आधार, नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद आप यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस। सिंपली दोस्तों आपको चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहां पर ये इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है, एनरोलमेंट आईडी अपनी पावती पर से देख लेना है, एनरोलमेंट आईडी और डेट एंड टाइम यहां पर आपको इंटर कर देना है जो भी आपकी पावती पर है। तो दोस्तों अभी हम आपको इंटर कर बता देते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं हमने हमारी एनरोलमेंट आईडी एनरोलमेंट नंबर पावती के ऊपर देखकर यहां पर एंटर कर दिया। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं एनरोलमेंट नंबर जो होता है दोस्तों हमारा वो होता है 14 अंकों का। और उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर अगर आप राइट साइड में देखेंगे पावती के ऊपर तो दोस्तों वहां पर आपको डेट एंड टाइम भी देखने को मिल जाएगा, जो भी एनरोलमेंट पावती आपको आधार सेंटर से मिली है उसी पर से देखकर आपको यहां पर ये एंटर करना है। तो डेट एंड टाइम आपको यहां पर दोस्तों एंटर करना है। तो डेट एंड टाइम आपको किस तरह से एंटर करना है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको अपने डेट का साल डालना है, उसके बाद महीना डालना है, उसके बाद दिन डालना है। जैसा कि मैं आपको यहां पर बता देता हूं जो भी दिन आपका एनरोलमेंट हुआ है उसका यहां पर आपको साल इंटर कर देना है, जैसे कि 2022। उसके बाद दोस्तों आपको महीना इंटर करना है, उल्टी तरफ से आपको ये कहने का मतलब ये है कि उल्टी तरफ से आपको ये डालना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो भी दिन आपका एनरोलमेंट हुआ है वो दिन आपको यहां पर इंटर कर देना है। तो देखिए मैंने किस तरह से डेट एंड टाइम डाला है 2022 पास से, आप यहां पर देख सकते हैं। पहले आपको अपना ईयर डालना है, उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना महीना डालना है, और दोस्तों यहां पर देखिए जो भी दिन आपका एनरोलमेंट हुआ है वो दिन आपको यहां पर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर टाइम डाल देना है, टाइमिंग भी आती है पावती के ऊपर। तो दोस्तों यहां पर हम टाइमिंग भी अभी इंटर कर देते हैं, जैसे कि यहां पर जो भी आपकी टाइमिंग है वो इंटर आपको यहां पर कर देना है। इस तरह से आपको देखिए दोस्तों ये पूरी 28 अंकों की आपके सामने एनरोलमेंट आईडी बन चुकी है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं। इसी फॉर्मेट में आपको इंटर करना है आधार कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए। दोस्तों यहां पर पहले आपको अपनी एनरोलमेंट आईडी डालना है, उसके बाद डेट एंड टाइम डाल देना है आपको। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए ये जो कैप्चा टेक्स्ट आपको दिख रहा है वो सेम टू सेम दोस्तों आपको यहां पर इधर भर देना है, जैसे कि मैं आपको भरकर बता देता हूं। अभी दोस्तों देखिए यहां पर ये क्यू है, उसके बाद जे है कैपिटल, उसके बाद दोस्तों एम है कैपिटल, जैसा है दोस्तों सेम टू सेम आपको भरना है। उसके बाद ई बी कैपिटल है, ई और बी कैपिटल जिस तरह से उस तरह से कैपिटल भरना है, स्मॉल वालों को स्मॉल कर देना है। तो दोस्तों यहां पर देखिए के स्मॉल है तो हम यहां पर के स्मॉल इंटर करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों हमने एक कैप्चा कोड को सेम टू सेम इधर भर दिया है। दोस्तों यहां पर कर देना है आपको इतना करने के बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक। तो जैसे ही आप दोस्तों सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पर ये थोड़ा सा लोडिंग होगा और आपके सामने दोस्तों आपके आधार कार्ड की स्टेटस यहां पर बता देगा। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं स्टेटस यहां पर बता रहा है रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड स्टेटस। दोस्तों यहां पर देखिए दिस एनरोलमेंट इज अंडर प्रोसेस, प्लीज चेक अगेन आफ्टर अ फ्यू डेज। दोस्तों यहां पर देखिए ये प्रोसेस में है अभी, जो कि दोस्तों यहां पर अगर इनसे बात किया जाए कस्टमर केयर से तो वो बताते हैं कि आधार कार्ड की जो प्रोसेस होती है वो 30 दिन से लेकर 90 दिन की होती है, उसके अंदर ये कभी भी बन सकता है आधार कार्ड। तो यहां पर दिस एनरोलमेंट इज अंडर प्रोसेस और दोस्तों इस आधार कार्ड को बनवाकर अभी 8 दिन हो चुके हैं, इसलिए ये अभी प्रोसेस में दिखा रहा है। और दोस्तों किसी किसी का आधार कार्ड 2 दिन के अंदर भी बन जाता है, किसी किसी का 1 महीना भी लगता है, किसी किसी का 8 दिन में भी बन जाता है। तो दिस एनरोलमेंट इज अंडर प्रोसेस अगर दिखा रहा है तो दोस्तों यहां पर आपको 30 दिन तक कम से कम वेट कर रहा है। और यहां से आकर आपको मैंने जिस तरह से बताया है तरीका, इस तरह से आकर आपको रोज चेक करते रहना है। दोस्तों यहां पर अगर आपको दिस एनरोलमेंट इज रिजेक्टेड दिखाता है तो आपका आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाता है, आपको वहां पर आधार सेंटर पर जाकर दोबारा बनाना होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप घर बैठे अपने मोबाइल से अपने आधार कार्ड की स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आधार कार्ड बना या फिर नहीं बना, या फिर प्रोसेस में है या फिर रिजेक्ट हो गया। तो दोस्तों अगर आपका अंडर प्रोसेस में अगर है 30 दिन से ऊपर हो चुके हैं या फिर 15 दिन हो चुके हैं आपको आधार कार्ड बनाकर, तो दोस्तों आपको एक मैं नंबर देता हूँ, देखिए 1947 इस पर आपको कॉल करना है, 1947 इस पर आपको कॉल करना है दोस्तों, और वहाँ पर आपको एनरोलमेंट आईडी डेट एंड टाइम आपका
आपका देना है, वहां से आपको कुछ फीडबैक मिलेगा, आपकी कंप्लेन वहां पर रजिस्टर कर दी जाएगी। और दोस्तों 2 दिन के अंदर अगर आप कॉल करते हो तो दोस्तों आपका आधार कार्ड डेफिनेटली 100% बन जाएगा। तो आपको कंप्लेन करना है 1947 पर कि हमारा आधार कार्ड बनवा कर बहुत दिन हो चुके हैं, अभी तक प्रोसेस बता रहा है, या फिर जो भी दिक्कत आपको आती है यहाँ पर स्टेटस चेक करने के बाद आपको 1947 पर कॉल कर उन्हें बता देना है। तो दोस्तों अगर आप कॉल कर बताते हो तो आपकी कंप्लेन वहां पर रजिस्टर्ड हो जाती है, और रजिस्टर्ड होने के बाद दोस्तों सिर्फ 2 दिन के अंदर या फिर 12 घंटे के अंदर भी आपका आधार कार्ड जनरेट कर दिया जाता है। तो आपको 1947 पर कॉल कर देना है अगर आपका स्टेटस कुछ इस तरह से दिखाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और आधार कार्ड से रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।